पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, उड़द, तिल, गेहूं और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जामनगर मंडी में 60 रुपए लुढ़क कर 2,590 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। काला पीपल मंडी में आई 25 रुपए की तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। आपको बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जामनगर और बहराइच मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि गाजियाबाद और दाहौद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जामनगर और बहराइच मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि गाजियाबाद और दाहोद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहां 6 अक्टूबर को यहां गेहूं का भाव रहा 2,800 रुपए। 7 अक्टूबर को भी यहां गेहूं के सौदे 2,800 के भाव पर ही हुए। गुजरात की ही जामनगर मंडी की बात करें तो यहां इस दौरान गेहूं के भाव कुछ नरम हुए। 6 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,650 रुपए। 7 अक्टूबर को यहां भाव 60 रुपए गिरकर 2,590 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो यहां इस दौरान गेहूं के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 6 अक्टूबर को यहां लोकवान किस्म के गेहूं का भाव रहा 2,285 रुपए। 7 अक्टूबर को भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,310 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां 6 और 7 अक्टूबर को गेहूं का भाव 2,360 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की ही बहराइच मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कुछ नरमी आई। 6 अक्टूबर को यहां गेहूं का भाव रहा 2,375 रुपए। 7 अक्टूबर को भाव में 5 रुपए की गिरावट रही और भाव 2,370 रुपए पर आ गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो गेहूं पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम जानते हैं गेहूं की स्थिति आगे क्या रह सकती है। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गेहूं के भाव आगे बाजार में किस दिशा में जा सकते हैं, मंडियों में भाव किस प्रकार रुख दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछला पूरा साल गेहूं के व्यापारियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। बाजार के अंदर कई बार भावों ने जो है निचले स्तरों को छोड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के कारण और सरकारी केंद्रों पर लगातार खरीद के कारण बाजार के अंदर जो है कुछ रौनक बनी रही। अब करंट स्थिति के अंदर अगर हम देखते हैं तो घरेलू मांग के अंदर लगभग 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग जो है और उठने की उम्मीद जताई जा रही है। जी,
बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि बीता साल जो है वो भाव के लिहाज से किसानों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, कई बार निचले स्तर तक भाव गए। ऐसे में इस बार की स्थिति को देखते हुए किसानों को किस तरह की योजना बनानी चाहिए, मंडियों का रुख कब करना चाहिए, किन महीनों में भाव बेहतर मिल सकते हैं, कितना उन्हें इंतज़ार करना चाहिए? बिल्कुल किसान भाई बहन, गेहूं के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान हमें 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। जी, तो चलिए, तो बात हुई गेहूं की, और अभी आपने जाना कि कब भाव आपको बेहतर मिल सकते हैं, कितनी तेज़ी हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहे साहिल गोयल जी, फिलहाल अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मालपुरा मंडी में 1,200 रुपए लुढ़का का तिल का भाव, ऊंझा मंडी में 15,625 रुपए पर बिका तिल। 12 लाख टन को हो सकती है उड़द की पैदावार, गाजियाबाद मंडी में उड़द का भाव रहा 9,000 रुपए। और आइए बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो ज़्यादातर मंडियों में शनिवार को तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुवाई बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ तिल की खेती 12,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की बुवाई 13,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में शनिवार को तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में तिल के भाव में गिरावट का रुख रहा। 6 तारीख को यहां तिल का भाव रहा 14,330 रुपए, 7 तारीख को भाव में 125 रुपए की गिरावट रही और भाव 14,205 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही ऊंझा मंडी में भी तिल के भाव नरम हुए। 6 तारीख को यहां तिल का भाव रहा 15,750 रुपए, 7 तारीख को भाव में 125 रुपए की गिरावट रही और भाव 15,625 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही जाम खंभालिया में भी तिल के भाव नीचे आए। 6 अक्टूबर को यहां तिल का भाव रहा 14,500 रुपए, 7 अक्टूबर को भाव 250 रुपए टूटकर 14,250 रुपए पर आ गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहां भी तिल के भाव में नरमी का रुख रहा। 6 अक्टूबर को यहां तिल के सौदे 14,500 रुपए के भाव पर हुए। 7 अक्टूबर को भाव 1,200 रुपए की गिरावट के बाद 13,300 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान तिल के भाव स्थिर रहे, भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहां 6 और 7 तारीख को तिल के सौदे 14,500 रुपए के भाव पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-2023 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-2022 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही, यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए एक बार फिर से साहिल गोयल जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, तिल की स्थिति मंडियों में क्या नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर तिल के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। घरेलू मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक कमी दर्ज की गई है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान मांग के अंदर जो है तेजी आने की उम्मीद लग रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि तिल के बाजार में एक आंशिक तेजी आने वाले समय में आ सकती है। बिल्कुल, तिल के बाजार में आंशिक तेजी जरूर आ सकती है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं मूंगफली की। देखते हैं मूंगफली के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। उत्तर प्रदेश की फरुखाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली का भाव दर्ज किया गया 6,150 रुपये। गुजरात की जामनगर मंडी में भाव रहा 6,450 रुपये और धूल मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,865 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं ज्वार के भाव पर। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर तक खरीफ ज्वार की बुआई 14,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 15,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वही भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपये। गुजरात की जामनगर मंडी की बात करें तो यहां भाव दर्ज किया गया 3,450 रुपये। राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे 2,670 रुपये पर हुए, जबकि राज्य के विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,910 रुपये पर दर्ज किए गए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, ज्वार की स्थिति क्या नजर आ रही है, किसानों को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन के अंदर जो है कमी दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर जो है माह दर माह हम देख रहे हैं तो 2 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, तो बात हुई ज्वार की। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें साहिल जी, आगे भी आपसे बात करेंगे। अब नजर डालते हैं मक्का पर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,300 रुपये, जम्बूसर मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपये और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का का भाव रहा 1,600 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बाजरा की। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023 के लिए 22 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 70,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी बुआई 70,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,170 रुपये,
कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2154 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में बाजरे के सौदे 1925 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1980 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो भी हमने बात की बाजरे की, और फिलहाल अब हम बात करते हैं साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, बाजरे के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह में बाजारों के अंदर एक आंशिक तेजी देखने को मिली थी। हालांकि पिछले पूरे साल बाजरे के अंदर लगातार गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर लगातार कमी के कारण हमें ये गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल पिछले दो महीने के दौरान हमने देखा है कि घरेलू मांग में भी सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा घरेलू उत्पादन के अंदर भी कुछ आंशिक वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2-4% तक की तेजी देखने को मिली है। जी, तो निर्यात में भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजी बीते सीजन से बेहतर है। साफ तौर पर इसका किसानों का भी लाभ होगा। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं धान की। देखते हैं धान के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की दाहोद मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर धान का भाव रहा 1790 रुपये। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में भाव रहा 3200 रुपये, और केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 2210 रुपये। सही भाव गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल इसी के साथ ही अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस पार जानेंगे उड़द और टमाटर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और आइए बात करते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की कोलार मंडी में उड़द का भाव रहा 7000 रुपए, धोराजी मंडी में भाव रहा 8005 रुपए, और राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव दर्ज किया गया 8450 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 9000 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 26,12,000 टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान उड़द की उपज 27,76,000 टन रही थी। साहिल जी, उड़द के बारे में क्या अनुमान है बाजार को लेकर? जी साहिल जी, आप हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन के अंदर जो है कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग हमें 5% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की ओर नजर डालते हैं तो निर्यात मांग में भी लगभग 7-10% तक का सुधार देखने को मिला है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि किस तरह की स्थिति है, और बाजार चाहे वो घरेलू बाजार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, वहाँ पर स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हमने जाना। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं गेहूँ की। देखते हैं गेहूँ के भाव क्या रहे देश की विभिन्न मंडियों में। राजस्थान की विजयनगर मंडी में गेहूँ का भाव रहा 2350 रुपये, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 2300 रुपये, और मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 2310 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
नजर डालते हैं अरंडी के भाव पर। गुजरात की सेमी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,935 रुपये, सिद्धपुर मंडी में भाव दर्ज किए गए 5,952 रुपये पर और जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,600 रुपये। आखिर में अब बात करते हैं टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 700 रुपये, जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये, कर्नाटक की कोलार मंडी में टमाटर 670 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,200 रुपये रहे। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। आइए टमाटर पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से। टमाटर की स्थिति अब क्या नजर आ रही है साहिल जी मंडियों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अगस्त माह से पहले टमाटर के भावों में हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी। इसका मुख्य कारण यही था कि बाजार के अंदर सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली थी। लेकिन अगस्त मिड के बाद से ही जब से बाजार में फ्रेश क्रॉप आई है, लगातार हमें देखा है कि टमाटर के भावों में गिरावट का रुख जारी है और ऊपरी स्तरों से लगातार मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आगे जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन है और कुछ उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर के जो भाव है यहाँ से हमें स्थिरता की ओर ही रहते हुए दिखाई देंगे। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, ऐसे में क्या करना चाहिए उन्हें साहिल जी? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों को मैं टमाटर के अंदर एक आंशिक तेजी की ही सलाह दूंगा। हो सकता है यहाँ पे 30-40 रुपए क्विंटल तक की एक तेजी टमाटर के अंदर आ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे जुड़ने के लिए और अलग अलग जिनसों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं किसानों को अपने फैसले लेने में ज़रूर मदद होगी। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़े, जहाँ पर आप मंडी खबर के साथ साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ आपसे लेंगे विदा। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।